तो ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि इसमें क्या कहा जा रहा है, एक मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप यहाँ पे दिया हुआ, मैग्नीफिकेशन मतलब दिया हुआ, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि एफ नॉट इज इक्वल टू 9 टाइम्स एफ ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से एक इक्वेशन मुझे मिल गया कि टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन जो है वो 9 है, नॉर्मल पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, और ऑब्जेक्टिव और आई पीस का डिस्टेंस ये जो एल है इट इज़ ऑल्सो गिवेन, तो एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, दैट इज एल, इट इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास अगर ये दो इक्वेशन आ गए तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लूँगा। तो यहाँ से एफ नॉट की वैल्यू जो है 9 एफ ई रख दो, और प्लस यहाँ से एफ ई, दैट इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से 10 एफ ई इज इक्वल टू 20, तो जो एफ ई है वह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इतना आ जाएगा, और जो अगर एफ ई 2 आ जाएगा तो एफ नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का सम 20 था, तो यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज जो है वो आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा 18, और यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो सी ऑप्शन सही है।